हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आपने देखा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5.2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। वो 5 नंबर क्वेश्चन से है। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था जिसमें आपका और भी क्वेश्चन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 का 1 है। देखिए, 5 का 1 आपका बोलता है 9 माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 इक्वल टू वाई प्लस 7। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 वाई। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले देखिए, मैंने इस इक्वेशन को मैंने यहाँ जैसे का तैसे लिख दिया है। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए, इस ब्रैकेट को अब मैं खोल दूंगा। तो ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 7। ठीक है, अब देखिए 9 और 4 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ आपका 13 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस 7 है। अब हम लोग इसको इधर उधर कर देंगे तो देखिए माइनस एक्स रह जाएगा और इधर से वाई चलाएगा तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है प्लस में, इधर से आपका 13 गया तो माइनस में 13 हो गया। ठीक है, माइनस 13 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन आएगा आपका माइनस 1 माइनस माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबका साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है, इसमें ये दे रखा है 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 वाई। ठीक है, अब देखिए इसका भी मैं क्या करूंगा कि इसको ब्रैकेट से गुना कर लूंगा 2 से। तो देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा और इसे गुना करने पे 2y हो जाएगा और इधर आपका 4 माइनस 3y तो दे रखा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो 3y दे रखा है माइनस में, इसको आपको इक्वल टू का इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 3y हो जाएगा। और इसे हम लोग 2x और 2y प्लस 3y करेंगे तो 5y हो जाएगा और यहाँ 4। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या है कि कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, तो इसको सिमिलर करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 30, इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 2 को सेम का सेम रह जाएगा तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी जो इक्वेशन 3 और 4 है उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करता है, हम लोग साइन को चेंज करता है। तो देखिए साइन को चेंज करके मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ 5y और 5y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5x में 2x माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा और अगर 30 में से 4 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ जाएगा 26/3। अब जो 26/3 x का वैल्यू आ रखा है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। तो इक्वेशन हम लोगों को क्या था, 1 x प्लस 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 था। तो देखिए एक्स के जगह पे हम लोगों को क्या रखना है, 26/3 रखना है। तो 26/3 मैंने रख दिया। अब ये 26/3 को अब इस इक्वल टू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाने पे देखिए इसे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा, इतना तो पता है आप लोगों को। अब इसे हम लोग माइनस कर लेंगे तो वाई का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा -8/3। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक्स का वैल्यू भी फाइंड हो गया और वाई का वैल्यू भी फाइंड हो गया। इस तरह से हम लोग का 5 का 1 का आंसर क्लियर हो गया। अब इसी तरह मैथ का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, जो 5 का 2nd क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका 2x प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई 6 दे रखा है और इक्वल टू 2 दे रखा है। उसी तरह आपका सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2x प्लस वाई बाई 3 दे रखा है और इक्वल टू 1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जो 1 दे रखा है इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ लिख दिया और अब क्या करेंगे, 6 और इसका नीचे 1 है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और ये क्या होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस वाई ही रह जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा कि ये आपका 12x हो जाएगा और प्लस x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 12।
अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो यहाँ पे आपको 12x और x दे रखा है इसको ऐड कर देंगे तो 13x हो जाएगा और माइनस में y इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ x माइनस दे रखा 2x प्लस y बाई 3 दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 3 आएगा और इसे भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसे हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x हो गया और ये 2x माइनस कर देंगे x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस y इक्वल टू 3, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग का मैच कर रहा था देखिए y माइनस y और यहाँ पे माइनस y, तो इसे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए पहले सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइन को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया और 13x माइनस x हुआ तो 12x हुआ और इधर से आपका 12 में से 3 गया तो 9 आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 3/4 आ जाएगा कैंसिल करने पे, ठीक है। तो अब जो x का वैल्यू आ रखा है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था थोड़ा मिस्टेक है तो मैंने यहाँ ऊपर में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट अप करने पे क्या था इक्वेशन 1 हम लोगों का, तो इक्वेशन 1 था हम लोगों को 13x माइनस वाई इक्वल टू 12 था। अब देखिए x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3/4 रख देंगे, तो देखिए मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ क्या हो जाएगा 13 3 39/4 हो जाएगा और माइनस वाई इक्वल टू 12। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 39/4 है इसे इक्वल टू को इधर लेके चलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस में था। अब देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 48 और यहाँ पे 39 दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है -9/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाता है वाई का वैल्यू -9/4 निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से x का वैल्यू आपका हो गया 3/4 और y का वैल्यू हो गया आपका -9/4। तो इस तरह से सेकंड का भी आंसर आप लोगों का फाइंड हो गया। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, ठीक है सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार हम लोग इतना को ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे टाइम में हम लोग इतना को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोनों साइड से फाइंड हो जाएगा, दो इक्वेशन है हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है एक्स माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक को लिया है। तो देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक्स माइनस 3x इधर ले आएंगे और माइनस 3y और माइनस 1 को इधर ही रहने देंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस कर लेंगे, तो देखिए प्लस माइनस करने पे आपको होता है माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है और सबका साइन को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाता है तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेकंड देखिए आपका सेकंड ये इक्वेशन था हम लोगों को इधर का लेना था हम लोग को इसको, तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से इसे भी हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाता है इक्वेशन बन जाता है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1 बन जाता है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है दोनों में, तो हम लोग इसे कॉमन करने के लिए मतलब इक्वल टू कर लेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 को 2 को हम लोग 1 से, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपको कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइन को चेंज करना होता है, देखिए मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया है तो 2x और 2x कैंसिल हो गया, अब इसे जब माइनस किए तो क्या हो गया y इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू निकल गया माइनस 1। अब जो y का वैल्यू आ रखा है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे, तो देखिए मैंने यहाँ y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करके दिखाया है, तो देखिए यहाँ पे 2x और 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया, ये माइनस 3 जो था इधर आके प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 4/2 हो गया, इसे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ बाय मिस्टेक नहीं लिख पाया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू आपका माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है आप लोग का कि 4x प्लस x माइनस वाई बाई 8 इक्वल टू 17 दे रखा है और सेकंड में दे रखा है 2x प्लस x माइनस 5y प्लस 2/3 और इक्वल टू 2 दे रखा है। तो अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पे 8 का जो रहेंगे एलसीएम लेंगे, तो देखिए 8 आ गया और इसे यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 32 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 17,
अब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 32x प्लस x माइनस y इक्वल टू 136, और इसे हम लोग अब प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 33x हो जाएगा माइनस y और इक्वल टू 136, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेकंड इक्वेशन भी हम लोग को यहाँ दे रखा है 2y प्लस x माइनस 5y प्लस 2/3 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 2 दे रखा है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ जब एलसीएम ले लिए तो क्या हुआ, 3 हो गया, और एलसीएम लेने पे 3 हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका नीचे 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे 3 ही आएगा, तो देखिए 3 2 6 और x 3x हो जाएगा माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है 6y प्लस 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 6 हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 6y है और माइनस 5y दोनों को घटा देंगे तो y हो जाएगा और 3x इक्वल टू 3x हो जाएगा, और इधर आपका माइनस 2 इधर जाकर के जुड़ जाएगा तो x प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन हम लोग को बन गया 3x प्लस y इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे कि ऐड करते समय हम लोग साइन को चेंज नहीं करते हैं, तो 33x और 3x को जोड़ने पे आपका हो जाएगा 36x और आपका 136 एंड 8 को जोड़ने पे हो जाएगा आपका 144। जब इसे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, क्योंकि अगर 144 को 36 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स लग जाएगा, तो ये आपका हो गया x का वैल्यू 4 हो गया। तो अब इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप कर लेंगे, नहीं इसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में मैं पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुटअप कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर रखा है, तो देखिए यहाँ पे 4 आया है एक्स का वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 लिख दिया है, यहाँ पे 12 हो गया और इधर 8 हो गया मल्टीप्लाई होने पे, ठीक है। और जो ये प्लस 12 है, अब इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को एक्स का वैल्यू 4 आ गया और वाई का वैल्यू माइनस 4 आ गया, तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो सभी आपको समय पे मिल जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है x प्लस 1 बाय 2 और प्लस 1 y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1 बाय 3 और प्लस y प्लस 1 बाय 2 और इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग x प्लस 1 बाय 2 और y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू 8 दे रखा है। अब हम लोग यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हम लोग को, 6 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड देते हैं कितना आता है, 3 आता है, तो 3 से देखिए इसे मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू 8 है यहाँ पे। अभी से हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, जब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेते हैं, देखिए 3x और प्लस 2y तो रहेगा ही, लेकिन इधर 48 है और ये जो 3 है इधर आपके माइनस में हो गया, ये 2 आपका प्लस हो गया। जब इसको हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 47 आ जाएगा, क्योंकि 48 और 2 50 होता है, माइनस 3 करेंगे तो आपका 47, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 में किस प्रकार का है, तो देखिए मैंने इक्वेशन 2 को आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 डिफाइन किया है, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 भी हम लोगों को क्या हो गया, फाइंड हो गया इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, और आपका इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करने पे 3 से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले पता है आप लोग को साइन चेंज करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया है, तो ये 6x और 6x कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से आपका 4y और 9y में माइनस हुआ तो माइनस 5y आ गया, और आपका 94 में माइनस हुआ 195 तो माइनस 65 आ गया, तो y का वैल्यू जो यहाँ पे आया आपका वो आगे निकल करके आपका 13। अब यहाँ पे 13 जो आया है y का वैल्यू, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे y की जगह पे
13 रख दिया है तो ये 39 हो गया और इधर इक्वल टू इधर लिया करो मतलब माइनस कर दिया तो आपको 14/2 आ गया और यहाँ पे x का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 7 फाइंड हो गया। तो देखिए y का वैल्यू भी इसमें क्या है आपका 7 है और x का वैल्यू भी क्या है आपका 7 है तो इस तरह से इसका भी आंसर फाइंड हो गया। अब है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका 3/x + 4y = 7 एंड फिर 5/x + 6y = 13। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इस सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो पहला इक्वेशन सॉल्यूशन करना है उसे भी हम लोग एलसीएम लेके करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स का एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4xy हो जाएगा। फिर इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3+4xy = 7x। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 2 की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दे रखा था 5x + 6y = 13। इसे भी सेम तरीके से करना है। जब सेम तरीके से कर लेंगे तो हम लोग का इक्वेशन जो फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 5+6xy = 13x। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपका इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो देखिए कुछ इस प्रकार से 18+24xy = 42x आ जाएगा जिसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। और उसी प्रकार से अगर इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपको 20+24xy = 52x। इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन साइन को चेंज करना है कर लिए। यहाँ से 24xy क्या हो गया कैंसिल हो गया और इधर 18 में से आपका 20 माइनस हुआ तो माइनस 2 आया और यहाँ पे आपका 2 और 52 माइनस हुआ सॉरी यहाँ पे आपका 42 है। ठीक है ये माइनस हुआ तो आपका कितना आ गया माइनस 10 आ गया। इस तरह से आपका x का वैल्यू जो फाइंड होगा वो आपको हो जाएगा 1/5। ठीक है अब ये 1/5 आपका x का वैल्यू आ रखा है उसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1/5 हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेशन x यहाँ पे भी दे रखा है तो 1/5 और x यहाँ पे भी दे रखा है तो 1/5। ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे देखिए यहाँ पे आ गया आपका 3+4/5y = 7/5। अब हम लोग क्या करेंगे 4/5y को यहीं पे रखेंगे और 3 को आपका इक्वल टू का बाहर ले जाकर के माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस करने पे क्या आ जाता है ये आ जाता है आपका -8/5। ठीक है तो यहाँ से देखिएगा ये आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -8/4। तो यहाँ पे आपका -2 आपका निकल जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से x का वैल्यू आपका 1/5 और y का वैल्यू -2 हो गया। इस तरह से आपका ये भी आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। ठीक है नहीं ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे 5x - 9 = 1/y दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है x + 1/y = 3 दे रखा है। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे ये जो आपका 9 है इसे उठा करके इधर ले जाएंगे माइनस था प्लस में हो जाएगा ए माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपका प्लस में था। ठीक है अब इसे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पे वाई और 1 का एलसीएम लेने से वाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5xy और यहाँ -1 = 9 हो जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेने पे आपका इक्वेशन बन जाता है 5xy - x1 = 9y। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से सेम तरीके से अब आपका सेकंड इक्वेशन को भी करना है तो देखिए यहाँ पे भी वाई को एलसीएम लेंगे हम लोग तो वाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy हो जाएगा +1 हो जाएगा = 3 हो जाएगा। ठीक है जब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका xy + 1 = 3y। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है अब इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है जिसको हम लोग 3 और इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है ये 5xy कैंसिल हो जाता है और इसको ऐड करने पे -1 और -5 को -6 होता है। ये दोनों को आपको माइनस करने पे -6y हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपका वाई का जो वैल्यू निकल कर चला आएगा वो 1 चला आएगा। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सेम तरीके से जो आपका वाई का वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करने पे देखिए
कैलकुलेशन कर दिया है मैंने, और कैलकुलेशन करके आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये भी आंसर आपका फाइंड हो गया है। ठीक है, ये 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 का पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा पेचीदा है, बट घबराना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपका सही तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए काम, आपका हो जाएगा। तो ये देखिए आपका जो इक्वेशन दे रखा है इसे ही हम लोग इक्वेशन वन और टू मान लेंगे, और ये बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन टू को हम लोग पी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर फोर मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पी क्यू एक्स एंड पी क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर वाई और प्लस पी स्क्वायर वाई बचता है, ठीक है, और फिर इधर आपका हो जाता है इक्वल टू का, पहले इसको लिखिएगा, तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस में फिर ब्रैकेट दीजिएगा क्योंकि माइनस है, फिर यहाँ आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे, ठीक है, तो ये देखिए पी क्यू और पी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस था आपका, यहाँ पे माइनस प्लस को मल्टीप्लाई होकर माइनस कर दिया, तो ये आपका कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, वाई वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो वाई कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इधर आपका माइनस क्यू और माइनस पी स्क्वायर बचता है, ठीक है, दोनों स्क्वायर में है। अब इन लोगों का माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, प्लस में होने पर ये कट जाता है, आता है वन। तो इसको क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब जो है y का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग इक्वेशन वन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए y का वैल्यू हम लोगों का माइनस वन आ रखा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पे आपका y है वहाँ पे आप क्या रखिएगा, माइनस वन रख दीजिएगा। तो एक ही जगह y नजर आ रहा है, माइनस वन मैंने रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने यहाँ माइनस वन रखा तो ये क्या हो गया, क्यू माइनस में हो गया, और अब इसे जब इधर ले जाकर ले करके तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका इक्वल टू में पी एक्स इक्वल टू पी बचा, और एक्स का वैल्यू आपका पी पी कैंसिल हो गया तो वन आ गया। तो इस प्रकार से आपका एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू माइनस वन आ गया, तो आपका ये भी आंसर फाइंड हो गया। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाइन का। तो नाइन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो दे रखा है, और सेकेंड इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे ए और बी का एलसीएम लिया, मैंने ए बी आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने ए बी लिया एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, तो जीरो होगा, इसे इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन टू को जैसे कहते हैं देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, इक्वेशन टू में कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब हम लोग इक्वेशन वन और टू को इक्वल करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन वन को ए से और इक्वेशन टू को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जब मैंने इक्वेशन वन को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ आया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, और बी से इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर फोर मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ए बी एक्स और ए बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा कि माइनस में ए स्क्वायर वाई है और माइनस में बी स्क्वायर वाई है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वाई वाई को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम लोग ए बी बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेके दिखा रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस में था, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया था। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया, माइनस बी को कॉमन लेने पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों क्या था, माइनस था, तो ये आपका निकल करके चला आया। तो ये आपका क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो y का वैल्यू b है उसे हम लोग इक्वेशन वन में पुट अप कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट अप कर रखा है, ठीक है, और देखिए जैसे ही मैंने इक्वेशन वन में y को वैल्यू b पुट अप किया, x का वैल्यू a आ गया, ठीक है, और यहाँ पे x का वैल्यू a और y का वैल्यू b निकल गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है सॉल्व 2x + y = 23
and 4x minus y equal to 90, and hence the find the value of x minus 3y and 5y minus 2x. मतलब कि आपका यहाँ पे x और value, x और y का value find करके फिर आपका x minus 3y का value और 5y minus 2x का value को find करना है, ठीक है? सेम तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, तो इसे हम लोग equation 1 मान लेंगे पहले को, equation 2 मान लेंगे सेम, और दोनों को तुरंत add कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपका y सेम हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे add कर देंगे. add करने पे क्या हो जाएगा, y cancel हो जाएगा और आपका 2x plus 4, x equal to 6 हो जाएगा, और इधर आपको 23 और 19 को add करने पे 42 हो जाएगा. इस प्रकार से आपका यहाँ x का value कितना निकल कर आ जाएगा, 7 आ जाएगा. अब जो x का वैल्यू 7 आया उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे, ठीक है? जब इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, x का वैल्यू 7 रख देने पे यहाँ 14 हो जाता है, और आपको इधर माइनस कर देने पे आपका 9 आ जाता है, तो y का वैल्यू जो आपका निकल करके 9 आ गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ जो वैल्यू निकालने बुलाते हैं x माइनस 3y का, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 3y का वैल्यू माइनस 20 हो गया, और 5y माइनस 2x का वैल्यू आपका 31 हो गया. इस तरह से आपका ये भी 9 का पहला नंबर क्वेश्चन भी, सॉरी 10 का नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया. अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है. 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है द एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई हैज वैल्यू 7, ठीक है? ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू 7 है, एंड व्हेन जहाँ पे x आपका 2 है और y आपका 1 है, तो और फिर उसी तरह से आपका 8h अगर इसी का वैल्यू 1 रख देता है तो फाइंड द ए एंड बी का वैल्यू को हम लोग को फाइंड करने बोलता है. अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 7, जहाँ पे वैल्यू आपका 2 x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू आपका 1 दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, और जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2a प्लस बी वाई प्लस बी इक्वल टू 7, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया. उसी तरह से आपका सेकंड भी बोलता है कि एक जगह आपको x के जगह पे माइनस 1 रखना है और y के जगह पे 1 रखना है. तो देखिए इसके भी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, तो क्या होता है a माइनस a प्लस b इक्वल टू 1, ये आपका सेकंड हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो देखिए यहाँ की भी कॉमन था इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से b और b कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 6, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे a का वैल्यू आपका 2 फाइंड हो जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए a का जो वैल्यू आ रखा है 2, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे. तो देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करने पे आपका a का जो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया था, अब यहाँ पे a की जगह पे 2 रख देते हैं, ठीक है? तो ये आपका कैलकुलेशन करके करने पे आपका b का वैल्यू कितना आ जाता है, 3 आ जाता है. इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 आ जाता है, ठीक है? और अब इस चैप्टर का आपका अंतिम क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन है कैन द फ्लोइंग इक्वेशन होल्ड सिमिलैरिटेंसली. तो क्या है ये, मतलब कि जो इक्वेशन है वो सिमिलैरिटेंसली को सही साबित करता है या नहीं करता है, तुम लोगों को करना है. देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखा है और आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम लोग इक्वेशन है उसे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 और 3 को आपको मान लेंगे, ठीक है? अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 पे पहले काम करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ इक्वेशन 1 और 2 पे काम करने पे क्या होता है कि इक्वेशन 1 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है. जब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए ये आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जिसे आपको इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर आपका 5 मान लेना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 और 33 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आपका 77 में से आपका 15 जाता है तो कितना बच जाता है, माइनस है दोनों पे ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92y हो जाएगा. और इधर आपका माइनस 77 माइनस 261 इसे ऐड करेंगे तो आपका 184 आ जाएगा. जब हम लोग वाई का वैल्यू निकालते हैं तो 184 को 92 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा वाई का वैल्यू. और वाई का वैल्यू 2 जब आ गया तो इसे हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे वाई का वैल्यू 2 को. तो देखिए यहाँ वाई का जहाँ वैल्यू 2 वाई है वहाँ 2 रख देना है. जब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो है हम लोग का निकल करके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. इस प्रकार से हम लोगों का जो x का वैल्यू आया वो 7 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे कि x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2 आ रखा है, ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन नंबर 3 में या नहीं करता है. तो हम लोग देखिए यहाँ पे
जहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे 7 रख देंगे और जहाँ y है वहाँ 2 रख देंगे। देखिए यहाँ पे 35 हो गया और 8 हो गया, दोनों को ऐड करने पे 43 हो गया और इधर आपका 43, मतलब 43 इक्वल टू 43 आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, करेक्ट है। तो अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द गेटिंग वीडियो ऑन टाइम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और अगर कहीं भी कुछ तरीके से समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सअप पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ जिससे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो वीडियो समझ में ना, जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, मैं वहां से आप लोगों को पूरी तरीके से सॉल्व करने के आप लोगों को प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।